अपने बयान पर कायम हूँ। पिता को लेकर के जो बयान दिया था अजय राय ने, देखिए कभी कभी कुछ लोग बुजुर्ग होते हैं और उन पर काम का लोड बहुत होता है, इसलिए कई बार कुछ बातें निकल आती हैं। हमारे लिए ये नई बात नहीं है और आप हम सब जानते हैं कि जो लोग खिसिया जाते हैं, जो लोग गलत होते हैं, अपनी कमी छिपाना चाहते हैं, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ सब पत्रकार साथियों के साथ, मैं भी अगर कभी गुस्से में हूँ तो भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं किसी के पिता और माँ बहन के बारे में ना कुछ बोलूँ। मैंने सदन में भी कहा था, एक बार मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही थी, तो मैंने मुख्यमंत्री जी को केवल संस्कारों की याद दिलाई थी। तो ये जो बीजेपी ने कभी फैलाया था मेरे खिलाफ, ये बीजेपी का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है, जिसमें देश के होम मिनिस्टर ने भी कहीं अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते समय कुछ बात कही थी, वही प्रोपेगेंडा चल रहा है। देखिए उसका जवाब मैं नहीं देता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ जो खिसिया जाते हैं वो इस सीमा तक चले जाते हैं जी। और बहुत सादा बात है, क्योंकि अभी हमारे पास संदेश कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता के माध्यम से किसी का संदेश आया है, तो अगर वो बात कुछ कह रहे हैं तो मुझे माननी पड़ेगी। नंबर एक, कुछ उन्होंने संदेश दिया है, लेकिन मैं एक बात जोड़ता हूं आपसे, हमें बुलाया ही क्यों था अगर गठबंधन नहीं करना, इसका तो जवाब कोई दे दे है मुझे। अगर गठबंधन नहीं करना था मुझे बता देते आप कि आपको गठबंधन नहीं करना। मान लीजिए इंडिया गठबंधन ने फैसला लिया कि ये जो टीवी जर्नलिस्ट है जो बैठते हैं टीवी पर, हम इनको बॉयकॉट करते हैं, हम इनको नहीं बैठेंगे इनके साथ, हमें भी इस तरह बता देते कि प्रदेश स्तर पे हम कोई गठबंधन नहीं कर रहे हैं, इंडिया स्तर पे जो चुनाव होगा या भारत का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव, उस समय गठबंधन होगा। आपने बुलाया, आपने बातचीत की, हमने अपनी परफॉर्मेंस बताई और उसके बाद आपने हमारे नेताओं को रात के 1 बजे तक बैठाया, तो आखिरकार क्यों आपने ऐसा किया? अगर उन्होंने ऐसा किया है तो गलत किया है, उसका जवाब उनके पास नहीं है, इसीलिए उनकी भाषा बदल जा रही है। अगर हमारी पार्टी का कोई नेता कोई गलत ट्वीट करे, कोई गलत भाषा इस्तेमाल करे, तो मैं उसको रोकूंगा कि किसी भी पार्टी के बड़े नेता के बारे में इस तरह नहीं करें। ये समाजवादियों की परंपरा नहीं रही है, ये समाजवादी लोग यहाँ हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत है, और नहीं तो सीधा कह दें कि समाजवादियों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको वादा करते हैं कि हम एक बार भी गठबंधन की बात नहीं करेंगे। मुझे कांग्रेस के लोग बोल दें कि समाजवादी पार्टी से हमें गठबंधन नहीं करना है, हमसे साजिश और षड्यंत्र ना करें, हमें धोखा ना दें, उन्हें अगर इच्छा है गठबंधन करना तो करें, नहीं गठबंधन करना है तो हमें साफ बता दें, हम अपनी तैयारी करें जिससे हम बीजेपी को हरा सकें और उन्हें किसी पॉइंट पर ये लगे कि समाजवादियों की जरूरत होगी तो डॉक्टर हमारे राम मनोहर लोहिया कह चुके हैं, नेताजी कह चुके हैं कि जब सबसे ज़्यादा कमज़ोर होगी कांग्रेस और जब ज़रूरत होगी उन्हें तो आपको बुलाएंगे, आप मना मत करना, कांग्रेस का साथ दे देना। इसलिए हम अपनी पुरानी